हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर मोनालिशा बोस और आज हम बात करने वाले हैं एक मिथ्स पे। तो यूजुअली पेशेंट आते हैं हमारे पास और जब भी हम उनको बोलते हैं कि सर आपका एक्सट्रैक्शन कि आपका दांत नहीं बचाया जा सकता है और आपको दांत निकालना पड़ेगा, तो यूजुअली आज भी पेशेंट्स का यही क्वेश्चन होता है कि क्या दांत निकालने से मेरा आँख कमज़ोर हो जाएगा। तो आइए इस बारे में बात करते हैं। एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर जो होता है वो ट्रेंड हम डेंटिस्ट से किया जाते हैं, प्रॉपर लोकल एनेस्थीशिया। लोकल एनेस्थीशिया मतलब जिस दांत को हम निकाल रहे हैं उस दांत के सराउंडिंग जो भी टिश्यू स्ट्रक्चर है या नर्व है उसे हम ब्लॉक कर देते हैं ताकि आपको कोई भी पेन फील ना हो। बट हाँ, जब दांत को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं, तो तब आपको प्रेशर फील होता है क्योंकि आप प्रॉपर कॉन्शियस पे होते हो। आपको पूरा पूरी बेहोश नहीं किया जाता है, वो जनरल एनेस्थीशिया होता है। बट लोकल एनेस्थीशिया बस लोकली हम देते हैं उसी जगह पे जहाँ पे आपका दांत को निकाला जा रहा है। अब इस प्रोसीजर को ट्रेंड डेंटिस्ट ही करते हैं, तो ये पेनलेस होता है। डिपेंड करता है कि आपका दांत कितना कॉम्प्लिकेटेड पोजीशन पे है, उस हिसाब से टाइम भी लगता है। बट आजकल यूजुअली 5 मिनट्स लगते हैं, बट अगर मेजर इम्पैक्टेड केसेस है तो उस पर 30 to 2 hours भी लग सकते हैं, 30 minutes to 2 hours भी लग सकते हैं। नाउ कमिंग टू कि क्या ये सारे प्रोसीजर से आँख खराब होते हैं? इसका कोई भी एविडेंस नहीं है कि डेंटल एक्सट्रैक्शन के कारण आपके आँखों में कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो पहले क्या होता था, लोग अपने दांत निकालने के लिए बाहर जो डेंटिस्ट नहीं है, जो सर्टिफाइड BDS या MDS डेंटिस्ट नहीं है, जो रास्ते में क्वैक्स होते हैं, जो बोलते हैं कि हमारे परदादा के ज़माने से लोग दांत निकाल रहे, उनके पास जाते हैं, तो तभी ऐसे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। सिर्फ आँखों का ही नहीं, आपका ओवरऑल हेल्थ भी इससे इम्पैक्ट पड़ सकता है क्योंकि वो तो ना ही एनेस्थीशिया का यूज़ करते हैं, ना ही कोई स्टेरिलाइज्ड प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं। वो डायरेक्ट बस जो भी दांत निकालना होता है उस पर खिंचाव का प्रेशर देते हैं और दांत को एक्सट्रैक्ट कर देते हैं। इस प्रोसीजर में पेशेंट को इमेंस पेन होता है और क्रॉस इन्फेक्शन आफ्टर द प्रोसीजर, एक बार वो दांत निकालने के बाद बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ों को अवॉइड कीजिए। जो बाहर बैठे क्वैक्स होते हैं या कोई भी डॉक्टर जो लाइसेंस्ड नहीं है प्रैक्टिस करने के लिए, आप उनसे अवेयर रहिए और प्रॉपर जो MDS या BDS डॉक्टर है उन्हीं के पास जाके अपना दांत निकालिए। आपको अवेयर रहना है तभी आप सुरक्षित रह सकते हैं। थैंक यू।